तो हे गाइस, मेरा नाम है मेहर। आज है ट्यूसडे और मैं लेके आ गया हूँ टिप्सी ट्यूसडेज का एक फ्रेश एपिसोड। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन के बारे में, एंड हाउ आई एडिट माय वीडियोस, यानी कि हाउ आई कलर ग्रेड एंड कलर करेक्ट माय वीडियोस। तो उससे पहले हमें दोनों का डिफरेंस समझना होगा कि कलर ग्रेडिंग क्या है और कलर करेक्शन क्या है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ नहीं है। अक्सर जब हम नया नया स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है, हम कलर करेक्शन और ग्रेडिंग को मिक्स कर देते हैं या हम एक ही समझ पड़ते हैं। मैंने खुद ये गलती करी है। तो कलर करेक्शन हम सबसे पहले करते हैं कलर ग्रेडिंग से। अब कलर करेक्शन क्या है? सो कलर करेक्शन इज द प्रोसेस जिसके अंदर हम अपने कलर्स को एग्जैक्टली वैसे एडजस्ट करते हैं जैसे हमारी आईज देखते हैं, यानी कि उनके नेचुरल फॉर्म में। अगर कोई कलर ज़्यादा है तो उसको कम कर दिया, या कोई कलर कम है तो उसको ज़्यादा कर दिया, एंड हम अपने एक्सपोजर को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, शेडोज को, मिड टोन्स को। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कलर करेक्शन में। अब आती है कलर ग्रेडिंग की बात। तो अब कलर ग्रेडिंग क्या है? तो देखा जाए, कलर ग्रेडिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी वीडियो को एक एस्थेटिक देते हैं, एक वाइब, एक फ्लेवर आ जाता है एक पूरी वीडियो का। अगर कोई हैप्पी सी, चीयरफुल सी वीडियो है तो हम उसको ब्राइट कलर्स, कॉन्ट्रास्टी कलर्स देंगे, और अगर कोई डार्क या फिर जैसे कहे हॉरर वीडियो हम बना रहे हैं तो हम उसको थोड़ा सा डार्क टोन में रखेंगे। थोड़ा सा जैसे डीसी की मूवीज होती हैं वो काफ़ी डार्क टोन में होती हैं कंपेयर टू मार्वल मूवीज़। तो मतलब आप कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा क्रिएटिव होके अपनी वीडियो की फील और वाइब बदल सकते हो, ठीक है, कि किसी भी तरीके का एक फ्लेवर डाल सकते हो। अगर कोई पुरानी एपिक मूवी बना रहे हो जैसे पद्मावत थी, तो उसके अंदर काफ़ी येलोइश वार्म टोन्स यूज हुई थी, काफ़ी पुरानी फील दे रही थी। तो अब बात आती है मैं कैसे कलर ग्रेड और कलर करेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं अभी अपने लैपटॉप में दिखाऊंगा, बट उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ। एज मैंने अभी ये प्रोसेस करना स्टार्ट करा है, ठीक है, आई एम न्यू टू इट, तो आई एम यूजिंग लट्स। तो मैं ये प्रोसेस आज लट्स के थ्रू बताऊंगा, एंड यू कैन ऑल्सो यूज लट्स। तो अब बात आती है लट्स क्या होते हैं। लट्स बेसिकली होते हैं लुकअप टेबल, उनका फुल फॉर्म होता है, बट उसे कुछ घंटा समझ आ रहा है। लट्स होते हैं, एक ईजी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं इंस्टाग्राम के फिल्टर्स, कि हम एक प्री ग्रेडेड फिल्टर अपनी वीडियो पे बस लगा रहे हैं। और लट्स जब हम यूज़ करते हैं तो उनको पूरा इंटेंस नहीं यूज़ करना, उनकी इंटेंसिटी हमेशा कम करके यूज़ करना है, वरना फुटेज पूरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं ले चलता हूँ अपने लैपटॉप पे और मैं दिखाता हूँ मैंने एक रीसेंट सीक्वेंस बनाया डेली का, वो कैसे ग्रेड करा। तो अभी जो आपने एक सीक्वेंस देखा था वो मेरी लास्ट वीडियो का है जो मैंने एक डेली का सिनेमैटिक सीक्वेंस बनाया है। नहीं देखा तो जाके देख लो, ठीक है, और मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने उसमें कैसे कलर ग्रेड और कलर करेक्ट करा था। तो मैंने उसकी कुछ क्लिप्स निकाल के रख ली हैं। तो सबसे पहले मैं एक मिनट जो मैंने पहले करा है उस पर डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी क्लिप्स आ चुकी हैं, ठीक है, ये एकदम रॉ फाइल है उसकी। और मैं बताना चाहूँगा, मैंने जो ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी, मैंने रिकॉर्ड करी थी एकदम फ्लैट प्रोफाइल पे, मेरा कैमरा जो ऑफर करता है वो था S-Log2 पे, ठीक है। तो ये कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम खोलेंगे अपने ल्यूमिट्री स्कोप्स। इसको खोल सकते हो मैक पे Command-7 दबा के। तो हमारे पास ल्यूमिट्री स्कोप्स अब आ चुके हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पर, जैसा हम देख सकते हैं। मैं एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब जहाँ पे है रेंज दिया हमें 100, ठीक है, 120 तक दी है और -20 तक है। हमें अपनी जो हाइलाइट्स हैं, ठीक है, वो हमें रखनी है 100 से नीचे, और शेडोज़ जितनी भी होती है हमारी वो रहेंगी हमारी 0 से ऊपर, क्योंकि तभी हमारी वीडियो में डिटेल आ पाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ कलर बोर्ड पे, और मैं यूज़ करता हूँ कलर व्हील्स, ठीक है, बेसिक एडजस्टमेंट के लिए। अब मैं अपनी हाइलाइट्स को, क्योंकि थोड़ी सी मेरे को लग रहा है पीक कर रही है, एक मिनट मैं क्लिप पूरी देख लेता हूँ। इस वाली क्लिप के लिए मैं कर रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। अब मिड टोन्स को मैं और नीचे खींच देता हूँ, ठीक है। कभी भी पूरा नीचे नहीं लेके जाना है, वरना वो फुटेज ख़राब कर देता है। शेडोज़ को भी नीचे ले आता हूँ, ठीक है, और अब मैं देख रहा हूँ पहले से आ गया कलर, ठीक है, हाइलाइट्स तो
तो यहाँ देख सकते हैं पहले और अब, बेसिक करेक्शन के बाद। अब मेरी जो ये वाली फुटेज है ये भी एकदम सेम ही है, तो मैं इस पर कॉपी कर लेता हूँ। ये तो कॉपी मैं करूँगा कमांड सी से और पेस्ट करूँगा, खाली जो मुझे इफेक्ट ये करेक्शन पेस्ट करनी है वो मैं करूँगा कमांड शिफ्ट और वी। ठीक है, यहाँ ये मेरा पेस्ट हो गया। तो देख सकते हो मेरी जो शेडोज़ हैं, जितनी भी इसमें डिटेल्स हैं, वो ज़ीरो से ऊपर में है, ठीक है, और 100 से नीचे। हमेशा ये रखना है, हाईलाइट्स कभी भी 100 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि एक बार अगर मैं हाईलाइट्स 100 से ऊपर ले जाऊँ, एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा, एक मिनट, हाँ, कितनी ज़्यादा ब्राइट या फिर वीडियो में लाइट ही लाइट आ गई है। ठीक है, तो हमेशा मैं इसको 100 से नीचे रखूँगा। सेम अब ये वाली फुटेज है, अगर एक ही दिन में मैनुअल मोड पे शूट कर रहे हो, ठीक है, ऑलवेज़ शूट इन मैनुअल, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैनुअल से लाइटिंग कंडीशंस पे पूरा पूरा कंट्रोल रहता है। अब ये सेम डे की ही फुटेज थी, अब मैं इस पर भी सिंपली पेस्ट कर देता हूँ कमांड शिफ्ट और वी से। ठीक है, ये ऑप्शन आई है, मैंने इस पर भी पेस्ट कर दिया, बट यहाँ के लिए ये सूट नहीं कर रहा, क्योंकि हम देख सकते हैं मेरे पास हाईलाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, बट शेडोज़ और डिटेल्स बहुत हैं। तो सबसे पहले मैं हाईलाइट्स ऐड करूँगा, और याद रखना है कि हमें 100 से एकदम नीचे रखना है। अब मिड टोन्स को मैं ऊपर ले जाता हूँ और शेडोज़ को ऊपर खींच लेता हूँ। मेरी हाईलाइट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ऊपर है, मैं थोड़ी सी इनको नीचे ले आता हूँ। हमें ध्यान रखना है जो हमारी प्रीवियस क्लिप है और जो जिस क्लिप पे हम काम करें, मतलब पूरी हमारी टाइमलाइन में जितनी भी क्लिप्स हैं वो एक ही तरीके की दिखनी चाहिए, तभी हमारा जो कलर ग्रेड का लट लगा रहे हैं वो एक सा लग पाएगा। तो अब हमारी क्लिप्स कलर करेक्ट हो चुकी हैं, अब ग्रेडिंग करेंगे। तो मैं ग्रेड कैसे करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने एडजस्टमेंट लेयर डाल दी, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ कस्टम लॉट। और अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे कस्टम लट दिख रहे हैं और मैंने एक लट्स का पैक डाउनलोड करा हुआ था, मैं इसको डाल देता हूँ। लेकिन अब जैसे मैं देख रहा हूँ इसने काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सा है, मेरा लट काफ़ी ख़राब लग रही है, अभी भी फुटेज इतनी सिनेमैटिक नहीं लग रही। तो मैं क्या करूँगा, मैं लट की इंटेंसिटी थोड़ी कम कर दूँगा, और जहाँ मेरी आई को एकदम ठीक लगे, क्योंकि ये सारा टेस्ट टू आई है कि जैसे आपको ठीक लग रहा है, ये नहीं कि एकदम ही ज़्यादा डाल दो। ठीक है, मेरे को लगभग यहाँ ठीक लग रहा है 7 पे, तो मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। तो दैट वाज इट, ये था मेरा प्रोसेस कलर ग्रेड और कलर करेक्ट करने का। कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को नीचे कमेंट में पूछ लो, या फिर मेरे को इंस्टा पे DM कर दो, ट्विटर पे पूछ लो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे। और कोई भी और चीज़ पे ट्यूटोरियल चाहिए हो तो मेरे को बता देना, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। मेहर।